सब्सक्राइब करें हमारे YouTube यूनिक एजुकेशन चैनल को और इस YouTube के बेल आइकन में क्लिक करें और ऑल नोटिस में क्लिक करें और ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देख लेंगे। सबसे पहले थैंक यू फ्रेंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कोमल कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आपने हैंगिंग प्रॉब्लम का सामना जरूर किया होगा। ऐसे आप सोचते होंगे अपने फोन को हैंगिंग प्रॉब्लम से कैसे बचाएं, तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को कुछ हद तक हैंग प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टिप्स है डिलीट अनवांटेड फाइल्स। आजकल हम जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जो अनवांटेड फाइल्स हैं, जो स्मार्टफोन में हमारे कोई यूज़ नहीं होता है, अनवांटेड फाइल्स जो हमारे कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये अनवांटेड फाइल्स कैसे रूप में इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाती हैं, लेकिन इसीलिए ये स्मार्टफोन है हमारा वो हैंग करने लगता है। इसलिए हम इससे ठीक करने के लिए वो सेटिंग में जाना है, क्लिक करना है और आपको ऐप परमिशन क्लिक करना है और किसी एप्लीकेशन टैप टैप कर देना है, एप्लीकेशन टैप करना है और स्टोरेज पे क्लिक करना है और ये कैसे फाइल है इसे क्लिक कर देना है। बस गया कैसे फाइल क्लीन हो जाएगी। इसे हर तरीके एप्लीकेशन पर क्लिक करना है इसी तरीके से स्टोरेज पर। तो फ्रेंड, और नेक्स्ट स्टेप्स है फोर्स स्टॉप अनवांटेड एप्स। इससे क्या होता है, हम जो भी स्मार्टफोन यूज़र हैं, हम यूज़ करते हैं तो हमारे कई सारे जो ऐप्स होते हैं जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे रैम और प्रोसेसर को खाते हैं, इसलिए हमारा फ़ोन हैंग करने लगता है। इसलिए इसको फोर स्टॉप कर देंगे। इसकी वजह से आप क्या करेंगे, आप सेटिंग में जाएँ और आपके ऐप्स पर ऐप मैनेजर में टिप्स अलग हो सकती है। ऐप का एप्लीकेशन मैनेजर होगा या ऐप्स होगा, मेरा जो ऐप्स है इस पर क्लिक करा मैंने। आप जिस एप्लीकेशन को आप यूज नहीं करते उससे आप उस पर टैप करना, जिस भी एप्लीकेशन को आप यूज नहीं करते उस पर टैप करना है मान लीजिए इस पर, और इसे इस पर जो फोर स्टॉप आ रहा है इस पर टैप कर देना है। दूसरा करके दिखाता हूँ, ये इस पर क्लिक करना है फोर स्टॉप, ओके कर देना है, सिर्फ फोर स्टॉप हो जाएगा। इससे क्या मतलब, हम जैसे एप्लीकेशन यूज नहीं करना है, ना ये प्रोसेस खाएगा या ना रैम खाएगा, इससे क्या होगा हमारा फ़ोन और भी फास्ट होगा, जल्दी हैंगिंग कम होगा। नेक्स्ट स्टेप है डिलीट हैवी एप्स। हम क्या करते हैं, हमारे फ़ोन में हम जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, इससे क्या होता है हमारा फ़ोन हैंग करने लगता है, ये भी सबसे मेन कारण होता है। तो इसके लिए भी आप अपने फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन हैवी एप्लीकेशन है जिसका आप यूज नहीं करना चाहते आप उसे अनइंस्टॉल कर दें। मैं मोस्ट रिकमेंड करूँगा आप उसे अनइंस्टॉल कर दें ताकि आपकी हैंगिंग प्रॉब्लम समस्या ठीक हो। और चौथी जो टिप्स है अवॉइड मल्टीटास्किंग। आप ज़्यादा सबसे ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग ना करें, इससे क्या होता है आपको फ़ोन तो मल्टीटास्किंग के लिए बनाया है, लेकिन क्या होता है आजकल जो फ़ोन है हमारे रैम और स्टोरेज कम होते हैं, इससे क्या होता है हमारा फ़ोन फुल हो जाता है, इससे क्या होता है हमारा फ़ोन हैंग होने लगता है, इसलिए हम मल्टीटास्किंग ना करें मोस्ट ऑफ ऑल। अब पाँचवें टिप्स है मूव ऐप्स टू एचडी कार्ड। अब हमारा जो फ़ोन स्मार्टफोन है जिसके रैम और स्टोरेज कम होती है, वो हमारा फ़ोन जल्दी से स्मार्टफोन फुल हो जाता है और वो हैंग करने लगता है, इसलिए हम अपने जो ऐप्स हैं और डेटा है वो अपने एचडी कार्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करें और आपको लिखना है मूव टू एचडी कार्ड, और आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आप इससे अपने एचडी कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना डेटा, ठीक है, और आपका रैम और प्रोसेसर और आप कुछ हद तक आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि ऐसी टेक्निक वीडियो मिलाते रहता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।